Hello, Namaskar, good afternoon. Welcome to NCRT's live interactive session. This is Simran Singh and you are all watching us on PME Vidya channel number 10. Viewers, you can also connect with us to our YouTube channel that you all know, it's NCERT Official. So it's around 2:30 PM on your watch, and for the next half an hour, we have the session of social science for class 10th students, where we are going to discuss about one of the most important topics of social science for class 10th. It is about the sectors of Indian economy. And providing us some more guidance in this session, we are also joined by an expert. So let me introduce him to you. In the conversation, we have with us Sri Shankar Prasad Saha sir. Namaskar, sir. Namaskar, madam. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में. थैंक यू मैडम. सर पीजीटी इकोनॉमिक्स है और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कोलबा मुंबई से सर ने हमें ज्वाइन किया है. और यदि आपके कोई भी सवाल हो पूरे सत्र के दौरान तो बेझिझक लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कॉमेंट सेक्शन में. इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर. और जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा ये सत्र आप देख सकते हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर. हमारा एक मेल आईडी भी रहेगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं dth.class10@cieet.nic.in. तो शंकर सर, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम बातचीत करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर, तो yes, क्या क्या इसके बेसिक्स हैं और किस तरह से इसे समझा जा सकता है, और आज के इस सत्र में हमारे दर्शक क्या जानेंगे. ओके, थैंक यू मैडम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय लव एंड अफेक्शन एंड नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पीएम ई विद्या चैनल. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इस चैप्टर के अंतर्गत हम सेक्टर्स के बारे में मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज ए सेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, और डिफरेंट सेक्टर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम सभी देखते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं. टीचर अपने क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, नर्सेस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, फार्मर खेतों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कि उसको अलग अलग तरीके से छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन हम इसे नहीं कर सकते. इसलिए इसको हम सेक्टर के रूप में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में हम अध्ययन करते हैं. और ये सेक्टर है क्या? सेक्टर इज नथिंग, इट इज़ द ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या हम यूं कहें इट इज ए क्लस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम एक समूह बना लेते हैं आर्थिक क्रियाओं का, और उस समूह का एक बेस होता है, उस बेस के आधार पर समूह बना लेते हैं और समूह के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं. अब कौन कौन से बेसिस होते हैं, इसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं सेक्टर्स को. तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इसके आधार पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्टर में बांट लेते हैं. तो कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. पहला है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, और देन टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, इसके क्या मीनिंग हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज कैरिड विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर. दैट्स व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन द absence of which production cannot be taken place. For example, primary sector ke antargat agriculture, dairy, poultry, fishing, mining, forestry, animal husbandry, etc. Secondary sector, the meaning of secondary sector is, secondary sector includes activities which involves the transformation of raw materials into finished goods. Generally, this transformation takes place in industries. That's why secondary sector is also known as industry sector or manufacturing sector. Secondary sector converts raw materials into finished goods, and examples are
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्टील प्लांट एक्सेट्रा। कमिंग टू टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज व्हिच रेंडर सर्विसेज टू द अदर टू सेक्टर्स, आई मीन टू से प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स बट आर द सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट जनरेट सर्विसेज, दैट्स व्हाई टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द अदर टू सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर्स आर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने में तीनों सेक्टर किस प्रकार से इंटर रिलेटेड हैं या इंटरलिंक्ड हैं। तो शुगर कैन हम प्राप्त करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, और उस शुगर कैन को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, यानी कि जो कि टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, उसको हम पहुंचाते हैं इंडस्ट्री तक, सेकेंडरी सेक्टर तक, और वहां पर वह शुगर या शुगर से संबंधित ड्रिंक तैयार की जाती है। और अगर वो शुगर कंज्यूमर तक जाता है फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पसेस, तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। अगर वो शुगर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, अगर स्वीट मेकर के पास पहुंचता है, तो फिर से शुगर वहां पर इंटरमीडिएट गुड्स रह जाता है। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनल गुड्स बनने में तीनों सेक्टर की आवश्यकता होती है, और तीनों सेक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अब हमको ये देखना है कि गुड्स किसे कहते हैं, सर्विसेज किसे कहते हैं, और गुड्स जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स हैं, इसका क्या डिफरेंसेस है, और अलग अलग तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे हम जानेंगे और कैसे फाइनल गुड्स को जानेंगे। तो गुड्स आर टेंजेबल, दे कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज आर इनटेंजेबल, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। गुड्स को यहाँ पर हम दो प्रकार का गुड्स ही हम लेते हैं इस चैप्टर में, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर मीन्ट फॉर रीसेल पर्पसेस एंड फाइनल गुड्स आर मीन्ट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। आर इन द प्रोडक्शन बाउंड्री बट फाइनल गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, सो दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये क्यों नहीं इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है, दोहरे गणना का जो सबकी समस्या हो जाती है अगर इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को लेते हैं। इसको हम आगे के स्लाइड में इसमें समझने का प्रयास करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम देखते हैं कि एक फार्मर व्हीट प्रोडक्शन करना चाहता है और अपने पास जो जमा पूंजी है उसमें से 100 रुपीज वो इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद जितना व्हीट प्रोडक्शन होता है उसको वो आटा मिल वाले को उसे दे दिया जाता है 200 रुपये में। तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, 200 रुपये में वो गेहूं बेचा, इसका मतलब 100 रुपया यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ। फिर वो आटा वाले आटा बनाकर, आटा मिल वाले उसको ब्रेड मेकर को दिया जाता है 400 रुपीज में। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि 200 रुपीज इनकम जनरेट होता है, और फिर ब्रेड मेकर ब्रेड बनाकर कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को कंजम्पशन पर्पज से दे दिया जाता है 800 रुपीज में। हम देखते हैं यहाँ पर 400 रुपीज अगेन इनकम जनरेट होता है। तो ये जो GDP है, नेशनल इनकम है, ये क्या है, ये सम टोटल ऑफ द इनकम जनरेशन है। तो ये अगर इनकम जितने भी जनरेट हुए हैं, अगर सब भी ₹800, और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनल गुड्स की जो कीमत है वह भी ₹800 है, यानी कि 800 जो फाइनल गुड्स की कीमत है, वैल्यू है, वह हमारे टोटल इनकम जनरेशन के बराबर है। इसलिए फाइनल गुड्स के ही कीमत को, उसके मनी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते हैं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी ₹1500। तो आप देखिए कि 1500 में माइनस करते हैं अगर 800, 700 का जो इंटरमीडिएट कमोडिटी का, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं, तो इस प्रकार से नेशनल इनकम का वैल्यू जो रॉन्ग कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम फाइनल गुड्स का ही वैल्यू इसमें लेते हैं।
अब सवाल होता है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि लाखों प्रकार के हजारों प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनका जो प्रोडक्शन है कोई कम क्वांटिटी में कोई अधिक क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। पूरे कंट्री में जितने भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है सबका क्वांटिटी के आधार पर पता लगाना और उससे जीडीपी निकालना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री ने एक उपाय सुझाया है, उन्होंने कहा है कि नहीं हम उसके क्वांटिटी को नहीं लेंगे, क्वांटिटी के जगह पर उसके हम मनी वैल्यू को लेंगे। मार्केट में जो वस्तु बिकती है बिक्री के लिए आती है बिकती है उसका जो फाइनल मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उसको अगर हम सम टोटल निकाल लें एक साल का तो वो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर ड्यूरिंग ए ईयर प्लस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी सेक्टर ड्यूरिंग ए ईयर प्लस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in tertiary sector during a year, it will be total production of the sector or gross domestic product. अगर हम define करना चाहें gross domestic product को तो हम इस तरह से simple way में लिख सकते हैं कि gross domestic product is the total value of all final goods and services produced within an economic territory of a country during a year. हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर, ये जो सेक्टर हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इसमें ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ है। तो शुरुआत में हम देखते हैं एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विकास के जो शुरुआती समय था तो प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। महात्मा गांधी ने कहा भी है हमारे देश के बारे में क्योंकि अधिकांश व्यक्ति भारत के एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाय अप्लाइंग न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, नए मेथड फार्मिंग का हम अपनाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ मच मोर फूड देन बिफोर, उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड इंक्रीज और एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इंक्रीज, इसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ प्राइमरी सेक्टर में। उसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का देखें over a long period of time method a new method of manufacturing introduced, iska result ke taur par factories come up and started spending, factory phailna shuru hua, zyada zyada factory khulne lage aur iska karan ye hua, iska ye parinam ye hua ki demand of workers increased, adhik se adhik worker ka demand hone laga to agricultural sector mein jo adhik worker kaam karte the more than 70% wo shift hone lage industrial sector ke taraf, isliye agricultural workers shifted to इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर अधिक इम्पॉर्टेंट होने लगा और वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट काफी अधिक बढ़ने लगी। अगर हम टर्शरी सेक्टर का हिस्टोरिकल चेंजेस देखें तो चूंकि प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कर रहे हैं वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर की तरफ और सेकेंडरी सेक्टर में उन्हें रोजगार मिलने के कारण उनका इनकम बढ़ने लगा, ड्यू टू इंक्रीज लेवल इनकम लेवल राइज डिमांड ऑफ बेसिक सर्विसेज इंक्रीज, जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वह हेल्थ पर एजुकेशन पर ट्रांसपोर्टेशन पर इस प्रकार से कई सर्विसेज होते हैं बेसिक सर्विसेज जिसका वो डिमांड करने लगते हैं, तो डिमांड ऑफ बेसिक सर्विसेज इंक्रीज और जैसे डिमांड बेसिक सर्विसेज की बढ़ जाती है तो टर्शरी सेक्टर बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इन दिस सेक्टर और टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन दिस सेक्टर। इसे हम राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर को एक बार डायग्राम के माध्यम से समझने का हम कोशिश करेंगे। 1973-74 में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जीडीपी में जो शेयर था चाहे वो प्राइमरी सेक्टर रहे हो या सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है तीनों का कम था, लेकिन तीनों में से प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा था। लेकिन 2013-14 में आते आते हम देखते हैं तीनों का शेयर जीडीपी में बढ़ा तो है, प्राइमरी का भी बढ़ा सेकेंडरी का भी बढ़ा टर्शरी का भी बढ़ा, लेकिन टर्शरी में एक आमूलभूत परिवर्तन हुआ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और टर्शरी सेक्टर का शेयर जीडीपी में काफ़ी अधिक बढ़ गया और प्राइमरी सेक्टर का भी बढ़ा सेकेंडरी का भी बढ़ा लेकिन टर्शरी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा शेयर बढ़ गया। रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में जो टर्शरी सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है काफ़ी पॉपुलर हुआ है टर्शरी सेक्टर, तो इसका रीजंस क्या है, कुछ बेसिक रीजंस यहाँ पर हैं जैसे प्रोविजंस ऑफ बेसिक सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट इज ए वेलफेयर गवर्नमेंट, तो इंडिया
कि जो सरकार है उस सरकार पब्लिक को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, लीगल सर्विस, डिफेंस, बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इस सर्विस का प्रोविजन होने के कारण टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हमारे देश में तीव्र गति से हुआ। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जैसा कि मैंने पिछले के बार डायग्राम में दिखाया कि प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ, टर्शियरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी में दोनों का शेयर बढ़ा। तो इन बढ़ने के कारण लोगों का इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने के कारण वह टर्शियरी सेक्टर की तरफ, बेसिक सर्विसेज की तरफ वो मूव किए, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हमारे देश में काफ़ी तीव्र गति से हुआ। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो हम साइंटिफिक ढंग से फार्मिंग करने लगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देखें तो हम न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे, मॉडर्न मशीन को यूज़ करने लगे। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के कारण भी टर्शियरी सेक्टर का काफ़ी अधिक ग्रोथ हुआ। लेकिन एक कमी रह गई इसमें कि टर्शियरी सेक्टर के प्रत्येक जो कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट्स का जो ग्रोथ है एक समान नहीं हो पाया। और एक समान नहीं होने के कारण, उसका कारण ये था एक समान नहीं होने का, इसके लिए हमारे यहाँ स्किल्ड, हाई स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहिए था, जो हमारे देश में अभी भी इसकी कमी है, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर के प्रत्येक एरिया में एक तरह का विकास नहीं हो पाया। अब हम आते हैं दूसरे बेस पर, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को देखते हैं, देयर आर टू सेक्टर्स, वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अदर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड वेयर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है और काम के घंटे फिक्स हैं, और उसके अलावे सरकार के बहुत सारे फैसिलिटीज उनको दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, दो बच्चों का एजुकेशन की सुविधाएं, ग्रेचुटी फैसिलिटीज, हाउस रेंट या रहने के लिए मकान। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर को मिलते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंक एम्प्लाईज एक्सेट्रा। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हम करें तो यहाँ पर ये स्केटर्ड है, इनका इस गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं हो पाता, गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल, अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। यहाँ के एम्प्लाई जो हैं इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर उसे जॉब से निकाला जा सकता है, यहाँ तक कि उसको सिकनेस लीव या किसी प्रकार का लीव, हॉलीडेज वगैरह सबका जो फैसिलिटी जिस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है इसे नहीं मिल पाता है। देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एग्जाम्पल है वह है हॉकर्स, डेली वेज वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा। चूँकि हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले इनसिक्योर्ड हैं, इसलिए इस आवश्यकता है, अगर देश का विकास करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन देना जरूरी है ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। इसलिए यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से हम ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उनके लिए काम के घंटे फिक्स नहीं है, उनका शोषण होता है, अधिक देर तक काम लिया जाता है, उनको किसी प्रकार के सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनके यहाँ तक कि पेमेंट भी सही ढंग से नहीं मिल पाता है, उचित नहीं मिल पाता है जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल जाता है। यहाँ पर शोषण होते हैं, उनका गवर्नमेंट ने जो तय किया है उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो तय किया है उस तय प्रिवेलिंग रेट भी उससे बेचारे को नहीं मिल पाता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसके कारण इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर देश का आर्थिक विकास हम करना चाहते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब तीसरा जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर हम देखें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो इसमें भी तीन प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर। हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में विशेष तौर पर 10th क्लास में बताया गया है। तो ये पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर रिफर्स टू दैट सेक्टर व्हिच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हुज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंट्रोल्ड और ओन बाय द गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज द पब्लिक सेक्टर। और इसका मुख्य मोटो क्या है? इसका मोटो है पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर ऑफ द स्टेट,
इसका मोटो ये नहीं है कि अर्निंग प्रॉफिट टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ऐसा नहीं है प्रॉफिट इसका मोटो पब्लिक सेक्टर का, इसका है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल अगर लें रेलवे है, पोस्टल सर्विसेस है एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर इज ए सेक्टर अंडर विच द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और इसका मेन मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट मोटिव इसका होता है। और यह है कंपनीज सच एज रिलायंस, एयरटेल, एफसी एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये आखिर में ये जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है पब्लिक सेक्टर का? जैसा मैंने कहा कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है, वह जनता के वेलफेयर की बात सोचती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जनता के वेलफेयर की बात, उनके सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जब सर्विसेज को प्रोवाइड की जाती है, और चूंकि मोटो होता है पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इसलिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे चीज काम करने होते हैं। जैसे सोसाइटीज नीड फॉर सेवरल थिंग्स, डिफिकल्टी ऑफ कलेक्टिंग मनी, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द हाउस होल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर, फेयर प्राइस टू द फार्मर्स, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोवाइडिंग अदर फैसिलिटी। ये सब चीज़ों के कारण, चूँकि सस्ते दर पर सामान्य तौर पर, जैसे अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को लें, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर हम कंपेयर करें, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी चीप है सुविधा लेना, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी महंगा हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इसका पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में ज़्यादा होता है। जी सर, इससे पहले सर चर्चा में आगे बढ़े, एक छोटी सी जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए। इस सत्र में हमारे पास 5 मिनट का समय अब भी शेष है, तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं इस मेल आईडी पर जो है आपकी स्क्रीन पर, dth.class10@cit.nic.in। जी सर जी, तो अब हम अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें एक योग्य व्यक्ति जो काम करना चाहता है एट द प्रिवेलिंग रेट, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें तो लगता है कि व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके काम का जीडीपी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अगर उस व्यक्ति को काम से बाहर भी कर दिया जाए तो जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को काम पर लगा भी दिया जाए तो जीडीपी पर असर नहीं पड़ता, बहुत खास असर नहीं पड़ता। तो इसलिए इसे प्रसन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये अक्सर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वहाँ ये देखने को मिलता है कि वो अपने परिवार में जितने मेंबर्स हैं सबको काम पर लगा देते हैं जमीन के छोटे टुकड़े पर, जबकि वहाँ एक दो व्यक्ति ही काफ़ी है, लेकिन वो 4-5 व्यक्ति को लगा देते हैं, काम कर रहे होते हैं, लगता तो है 4 व्यक्ति वहाँ इंगेज है, काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ 2 व्यक्ति जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इसलिए इस स्थिति को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सिचुएशन क्यों पैदा होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इसके कुछ कारण हैं। सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जॉब क्रिएट तो हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन लेवल तक, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, जितना जॉब क्रिएट, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ होनी चाहिए सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, उतना नहीं हो पाया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर अभी भी पॉपुलेशन का दबाव है, ज़्यादा दबाव है, और वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज वेरी लो। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो हुआ टर्शियरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन उसका रेट बहुत ही लो है, उसका कम है, जिसके कारण एग्रीकल्चर से मूव तो हुआ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के तरफ लोग, वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस वर्कर्स, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं हो पाया, और दबाव जो एग्रीकल्चर पर था, गाँव में था, वो दबाव बहुत हद तक कम नहीं हो पाया। तो कंसिक्वेंटली मोर देन हाफ द पॉपुलेशन इज स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो हम देख रहे हैं आज भी जितने पॉपुलेशन हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका 50% वो निर्भर करता है प्राइमरी सेक्टर पर। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी अगर हम देखें शेयर को, 73-74 में हम देख रहे हैं, अगर परसेंटेज में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो परसेंटेज में है, परसेंटेज में देख रहे हैं
तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का काफ़ी अधिक शेयर था जीडीपी में, लेकिन अगर 2013-14 में देखें तो देख रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में काफ़ी शेयर बढ़ गया है और प्राइमरी का शेयर पहले से घट गया है। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ा है, आप देखिए 73-74 में सेकेंडरी सेक्टर का शेयर कम था, लेकिन 2013-14 में शेयर बढ़ा है। तो टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ा है जीडीपी में, लेकिन एग्रीकल्चर का शेयर घटा है, वो घटना भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ वैसे वैसे एग्रीकल्चर का शेयर घटेगा। यहाँ पर हम परसेंटेज में हम देख रहे हैं शेयर, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट तो 77-78 में हम देख रहे हैं कि 71% वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड करते थे प्राइमरी सेक्टर पर, ओनली 11% सेकेंडरी सेक्टर पर और 18% टर्शियरी सेक्टर पर। लेकिन अगर 17-18 में हम आते हैं तो देखते हैं कि अब 44% डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पर और ये 11% से बढ़कर 25% सेकेंडरी सेक्टर का हो गया, 18% से बढ़कर ये 31% टर्शियरी सेक्टर पर में हो गया। तो अभी 31% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पाया जाता है टर्शियरी सेक्टर में, 25% सेकेंडरी सेक्टर में और 44% प्राइमरी सेक्टर में। जी सर, सर हम बिल्कुल इस सत्र को आगे बढ़ाते पर अब समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, जो पाठ हमारा रह चुका है हम अपने किसी अगले सत्र में उसे ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आपने अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश करके बहुत ही आसानी से हमारे दर्शकों को और जितने भी स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें समझाया कि किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट और ऑनरशिप के आधार पर हम इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे आप सबका भी धन्यवाद, बने रहिए एनसीईआरटी के साथ, कुछ ही समय में वापस लौटेंगे अपने अगले सत्र के साथ। नमस्कार।